आज देखिए, बड़े अफसोस के साथ एक खबर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले मोहम्मद ख्वाजा नामी एक हमारे गढ़वाल में रहते थे पहले, अब आजकल जो है गढ़वाल के रहने वाले थे, ये के नगर गंदमगुड़ा 55 साल मोहम्मद ख्वाजा साहब का जुमे के दिन इंतकाल हुआ था। ये लोग गढ़वाल के रहने वाले थे, पिछले 5 साल से जो है के नगर गंदमगुड़ा वीकर सेक्शन सोसाइटी में रह रहे थे, इनका इंतकाल हो गया था। तो इंतकाल होने के बाद में जो है इनके फर्जन वहां के मुकामी अतराफ के कब्रस्तानों में, तकरीबन 5 कब्रस्तान में गए लोग जगह के लिए, तो वहां पर जो है एक संदीप नामी कोई TRS के लोकल लीडर है, उनके हमरा जो है पहले ये लोग लंगर हाउस के कब्रस्तान पे गए जो पुलिस स्टेशन के बाजूक में है कब्रस्तान, तो वहां के मुतवल्ली साहब ये मुस्लिम मैयत की तदफीन के लिए जगह देने से इनकार किए। फिर उसके बाद में वो लोग जो लंगर हाउस ब्रिज के बाजूक है उस कब्रस्तान को गए, उन वहां पर भी जगह नहीं दिए। फिर ये लोग जो है गंदमगुड़ा कब्रस्तान में जो है सर्वे नंबर 386 में वहां पर जाके जो है खबर खुदवा रहे थे, JCP को बुला के वहां के एक मुकामी आपके कारपोरेटर के हस्बैंड है, कोई आसिया नामी कारपोरेटर है, लेडी कारपोरेटर, उनके हस्बैंड है ख्वाजा मियां और ये संदीप और ये जो मर गए ख्वाजा मियां के फर्जन। तो वहां पर के जो गोलकुंडा गंडीपेट मंडल यानी रंगारेड्डी कलेक्टर का जो VRO है आके उन्हें काम रुका दिया, तदफीन नहीं करने दिया। तो 4 कब्रस्तानों को जाने के बाद में कब्रस्तान में जगह नहीं मिलने की सूरत पे इनको जो है एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में तदफीन अमल में आई। पहले तो मैं जो कारपोरेटर है वहां के चंद्रशेखर वार्ड नंबर 1 के जो काउंसलर है और ये जो संदीप TRS सेक्रेटरी है, मैं यकीनन उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक मैयत का मामला था, हिंदू शमशान घाट पे जगह दिए ये लोग, क्योंकि कब्रस्तान के मुतवल्ली जगह नहीं देने पर इनको ले जाकर शमशान घाट में तदफीन किए। लेकिन 2 दिन से ETV न्यूज नेटवर्क 18 में और आपके मुख्तलिफ चैनलों पे ये न्यूज आ रही है, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली रहने, एक मुस्लिम होम मिनिस्टर रहने के बावजूद और हमारे वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन रहने के, मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन रहने के बावजूद, ये जो 4 कब्रस्तानों के मुतवल्ली है इनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हैदराबाद में ऐसा वाकया पेश आना, हैदराबाद के सराउंडिंग यानी बिल्कुल 20 मिनट का रास्ता है लंगर हाउस से, ये ऐसे मुकाम पर मैं हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मुतालिबा करता हूं, सलीम साहब से मुतालिबा करता हूं कि ये जो ख्वाजा मियां की तदफीन शमशान घाट में हुई है इसके ऊपर तहकीकात की जाए और जो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने जगह नहीं दी इनको, उन तमाम मुतवलियों को सस्पेंड करना चाहिए, इनके खिलाफ में केसेस बुक करना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी अमल में आना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये वाजे तौर पर कहा था कि किसी भी कब्रस्तान में अगर पैसे मांगेंगे तदफीन के लिए तो वो मुझसे रब पर कायम कीजिए। ये अफसोस की बात है कि वहां के कोई मुकामी लोग सलीम साहब से, मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे सलीम साहब से बात किया तो वो कह रहे थे कि मेरे से कोई रब नहीं कायम किए। यकीनन अगर सलीम साहब से अगर कोई रब कायम करते मुकामी लोग तो किसी ना किसी कब्रस्तान में उनको जगह दिलवा देते थे। साबिका में भी ऐसे कई मरतबा हुआ कि मुस्लिम कब्रस्तानों में जगह नहीं देने पर, वक्फ बोर्ड को इत्तला करने पर सलीम साहब ने कई कब्रस्तानों में पुलिस के जरिए मुतवलियों को डरा धमकाकर जगह दिलवाए। ये बड़े अफसोस की बात है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। होम मिनिस्टर और सलीम साहब दोनों मिलकर इसकी तहकीकात करते हुए वो 4-5 कब्रस्तान के जितने मुतवल्ली जो जगह नहीं दी उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज, वो जो VRO जो गंडीपेट मंडल का VRO आके जो गंदमगुड़े का सर्वे नंबर 386 में जो ऑलरेडी 3 एकड़ 20 घंटे जो कब्रस्तान वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर खोदने से इनकार किया, रुकाया, इसके खिलाफ में भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे जो चंद्रशेखर वार्ड वन के गंदमगुड़ा वार्ड नंबर 1 के काउंसलर है और मैं हमारे संदीप जो TRS के सेक्रेटरी है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने
एक मुस्लिम मैयत की तदफीन में मदद की और उस अफराद खानदान के साथ मेरा पूरा अफसोस है। इंशाल्लाह मैं अनकरीब उनके अफराद खानदान से भी मुलाकात करूंगा और अनकरीब हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से भी शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए इसके ऊपर कंप्लेन करूंगा और एक्शन लेने पर भी जोर डालूंगा।